उसके पास जब आप कोई टॉपिक लेकर के जा रहे हैं तो पहले से ये बात उसके दिमाग में आ जाए कि ये टॉपिक बाहुबली है। एक टीचर जो है शस्त्र बाहु होता है, अलग अलग प्रकार की उसमें क्वालिटीज होती है। ये रामलाल है, ठेला लेके आ रहा है, आलू ले लो, कांदा ले लो। आगे बढ़ते हैं, डी के बाद आगे बढ़ते हैं, ई फॉर एंथुजियाज्म। कोई भी चीज आप जो है आप चाहें तो बिल्कुल मरे मरे अंदाज में भी आप कर सकते हैं। हाँ, आज मैं पढ़ाने आया हूँ ये टॉपिक। और वही चीज़ यदि आप एंथुजियाज्म के साथ आ रहे हैं, आज हमें पढ़ने वाला बहुत शानदार ज़बरदस्त टॉपिक है, और उस टॉपिक के बारे में दो चार ऐसे टैग लाइन आपने तैयार कर रखे हैं जो कि आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आपको सबको पीडीएफ मिल जाएगा। आप नोट आउट आराम से बदल करो, मत करो, ज़रूरत नहीं है। तो आप एंथुजियाज्म के साथ में कोई काम कर रहे हैं, उत्साह के साथ कोई भी आप टीचिंग करने जा रहे हैं, तो आप उस चीज़ का इंपॉर्टेंस ही बदल जाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, कभी एक सारा अली खान की कोई सी मूवी आने वाली है, अब पता नहीं कौन सी है, लेकिन वहीं आप गदर 2 आने वाली है, तो उसका अलग ही अपना जो है प्रसार का स्टाइल ही अलग है ना। बाहुबली आने वाली, बाहुबली 2 आएगी, तो वो प्रसार का उसका तरीका यह है अलग है, उत्साह अलग है। तो व्यक्ति क्या है, देखने के पहले एक तो मोटिवेट रहता है कि बहुत बढ़िया ही होगी, उसके दिमाग में पहले से ही है कि बहुत बढ़िया ही है। इस तरीके से स्टूडेंट्स के पास जब आप कोई टॉपिक लेकर के जा रहे हैं तो पहले से ये बात उसके दिमाग में आ जाए कि ये टॉपिक बाहुबली है, तो वो पहले से ही, जैसे व्यक्ति थिएटर में घुसता है ना, तब से ही सोच लेता है कि पिक्चर अच्छी है बुरी है, और जब उसके दिमाग में आ गया कि अच्छी है तो वो उसी हिसाब से सोचता है। तो इसी तरीके से स्टूडेंट भी उस टॉपिक के बारे में सोचना चाहिए कि ये बाहुबली टॉपिक है, ये कोई दूसरा टॉपिक नहीं, इसी पिक्चर का नाम ही पता नहीं है, ऐसा फील करवाना जरूरी है। खैर आगे बढ़ते हैं, फ्रेंडली नेचर, या मैं बोलूँगा बैलेंस्ड फ्रेंडली, एफ फॉर फ्रेंडली नेचर, बैलेंस्ड फ्रेंडली रहो। आयुर्वेद सी बात है, आपको जो है स्टूडेंट से थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखना भी जरूरी है, लेकिन फिर भी आपका जो नेचर है वो फ्रेंडली तो होना ही चाहिए। अब वो पुराना जमाना नहीं रहा है ना, जो मैं कल बात कर रहा था कि ऑटोक्रेटिक और अथॉरिटेटिव टाइप की लीडरशिप अब नहीं चलेगी। अब कौन सी लीडरशिप चलेगी, कम्युनिकेटिव और पार्टिसिपेटिव। तो कम्युनिकेटिव और पार्टिसिपेटिव टाइप की लीडरशिप कब हो पाएगी, जब बच्चों से आप जुड़ेंगे, जब उनके साथ आपका फ्रेंडली नेचर हो। आपका नेचर फ्रेंडली नहीं है बिल्कुल, आप हमेशा कड़क पेश आते हैं, ऑटोक्रेटिक वे में पेश आते हैं, कैसे बच्चा आपसे जुड़ेगा, कैसे आप कम्युनिकेटिव बनेंगे, राइट। तो ए फॉर फ्रेंडली नेचर, जी फॉर जेंटलनेस, है ना, बी जेंटलमैन, बिल्कुल आप फ्रेंडली रहें, फ्रेंडली के साथ में जेंटलनेस के साथ फ्रेंडली रहें। आप फ्रेंडली होने का मतलब ये नहीं कि कुछ जरूरत ज़्यादा ही फ्रेंडली हो गए। यदि आप मेल टीचर हैं तो एक सिंपल सी बात एडवाइस है, आप जो है कभी गर्ल चाइल्ड को टच भी ना करें, थोड़ा जेंटल रहें आप। इवन जो बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ, बोल देता हूँ, अच्छा रहेगा, जेंटल रहे बच्चों से। आप फ्रेंडली नेचर आपका जरूर है, लेकिन आपसे वो हुलू दुलू आप बातें नहीं करें, जो बातें आपको नहीं करना चाहिए। आपका प्रोफेशनल टॉक है वहीं तक ही, उसको लिमिटेड रखें। खैर आगे बढ़ते हैं, काइंड रहे, हम्बल रहें, ये तो एक दया करुणा ये सब तो एक टीचर में होते ही है। एक टीचर जो है शस्त्र बाहु होता है, अलग अलग प्रकार की उसमें क्वालिटीज़ होती है, इसीलिए ही तो टीचिंग प्रोफेशन को इतना सम्मान दिया गया है, क्योंकि उसके पास एक क्वालिटी से काम ही नहीं चलता है। क्या पता उसको अपने जो तुनीर बोलते हैं ना उसमें, हाँ तो उसमें बहुत सारे तीर रखना पड़ता है, क्या पता कौन सा तीर कब काम आएगा। तो हम्बल रहना भी रिक्वायरमेंट है, एच फॉर हम्बल होना। फिर आई फॉर मेरे दिमाग में आएगा इंटेलिजेंस, तो वो तो एक बहुत कॉमन सी बात है, वो तो होना ही चाहिए, उसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन मुझे थोड़ी डिफरेंट चीज़ लगी, इंट्रोस्पेक्शन करें। आप शुरुआत में पहली बार कोई सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहे हैं, कोई क्लास पहली बार पढ़ाने जा रहे हैं, बच्चों का थोड़ा सा आपका एटीट्यूड जो है आपको नहीं ठीक लगा, ऐसा लग रहा है बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है, या बच्चे आपको इनडायरेक्टली या डायरेक्टली शिकायत भी कर रहे हैं, तो उन्हें ये ब्लेम करने के बजाय कि तुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा है, मैं तो अच्छा पढ़ाता हूँ, मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं तो मास्टर डिग्री हूँ, ऐसा हमारे दिमाग में आता है सोचने में कि यार ऐसा कैसे इसने मेरे बारे में सोच लिया। ये उसको उसके बारे में सोचने की बजाय
हम खुद इंट्रोस्पेक्शन करें कि मैं कहाँ कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं और बेहतर कैसे कर सकता हूँ। इंट्रोस्पेक्शन करना ज़्यादा ज़रूरी है और ज़्यादा बेहतर भी है, क्योंकि देखिए दो फोर्सेस होती है। एक फोर्स हो गई इंटरनल, जो आप अपने आप में हैं, अपने आप पे आप कंट्रोल कर सकते हैं। एक हो गई एक्सटर्नल फोर्स, जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है। आप जो गाड़ी चला रहे हैं उस गाड़ी की स्टीयरिंग तो आपके हाथ में है, लेकिन जो बाकी ट्रैफिक चल रहा है वो आपके हाथ में नहीं है। तो बाकी के ट्रैफिक कैसा चलता है उस बारे में सोचना व्यर्थ है। आपकी गाड़ी के हैंडल जो है वो आपकी स्टीयरिंग जो है वो आप ठीक से संभालें, उसमें ही आप कुछ कर सकते हैं, उससे ही आप अपने आप को बचा सकते हैं, अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, उससे ही सब कुछ हो सका। तो आपके हाथ में सिर्फ जो हैंडल है, जो जो स्टीयरिंग है वो आपका ही है, यानी कि आपके पास इंटरनल फोर्सेस ही आपके हाथ में। किसी दूसरों से आशा रखना कि वो बदलेंगे, वो क्यों बदलेंगे भाई, और वो नहीं बदलेंगे तो क्या हम बैठे रहेंगे, क्या हम इंतज़ार करते रहेंगे, क्या नहीं, हम इंतज़ार नहीं कर पाएंगे। इधर क्लियर, तो ये बात सही है कि नहीं है? आपको कोई इसे ये देखे कहीं से, मैंने कोई गिवन फार्मूला नहीं है, ये फार्मूले तो मुझे लग रहा है कि एक्सपीरियंस करने के साथ साथ हम लोग चीज़ें फील करिए और मैं चीज़ सामने रख रहा हूँ। तो आई फॉर इंट्रोस्पेक्शन, जे फॉर जॉयफुल। अभी ये मीटिंग जो है मैं 1 आवर तक ऐसे ही चलाता रहूँ, एक वे में, बिल्कुल टन, बिल्कुल एक ही बात, एक ही स्टाइल में बात कर रहा हूँ, चुपचाप बढ़िया, मैं या चुपचाप नहीं बोलता हुआ मैं खड़ा हूँ और आप चुपचाप सुनते रहें। बताए क्लास जॉयफुल हो पाएगी, नहीं हो पाएगी। सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए बातचीत में, थोड़ी सा कभी लैंग्वेज, कभी जो है ट्यून ऊपर जा रही है, कभी नीचे आ रही है, कभी थोड़ा सा मजाक कर लिया। प्रतिभा मैडम की प्रतिभा है, एक शेयर पे दो लोगों का वचन बैठ जाता है। तो आपने जो है अपनी क्लास को जॉयफुल बनाना पड़ेगा। जॉयफुल कैसे बनेगा, जब आपके पास बेहतर कंटेंट हो और उसको प्रेजेंट करने के लिए आपने अपने आप को प्रिपेयर किया हो। प्रिपेयर किया होगा तो आपके पास डिफरेंट आइडियाज़ आएंगे, कुछ चीज़ें भी आएगी जो आप जो है रियल लाइफ से उसको रिलेट कर पाएंगे, और जैसे रियल लाइफ से रिलेट आप करेंगे चीज़ें जो है जॉयफुल हो जाती है। देखिए आप जो चीज़ें हम रात दिन देखते हैं वही चीज़ों में से कुछ ऑब्जर्वेशन करके लोग उन जो है जैसे कपिल शर्मा बन गए, उन्हीं चीज़ों को ऑब्जर्व करके जो है एक और कलाकार है ना, जो भी इनका देहांत हो गया, अरे राजू श्रीवास्तव बन गए। आप लोग देखेंगे ये जो इतने में कलाकार हैं वो लोग क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन ही है। और ट्रेन में जा रहे थे तो यहाँ ऐसा हुआ तो फिर ऐसा हुआ, तो हमारे पास भी बहुत सारे ऑब्जर्वेशन होते हैं जब हम कोई भी टॉपिक लेके जा रहे हैं। से फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे मान लीजिए मैं डिमांड पढ़ा रहा हूँ, तो मैं जस्ट फॉर इमेजिन मैं बोल सकता हूँ कि ये रामलाल है ठेला लेके आ रहा है, आलू ले लो, कांदा ले लो, कैसे दिए 25 रुपए किलो। अच्छा आप यदि 20 रुपए में दे दो तो 5 किलो ले लूँगा मैं, 20 रुपए में दे दे तो 5 किलो ले लूँगा मैं, चलो ठीक है ले जाओ। मतलब क्या हुआ कि कस्टमर क्या चाहेगा ऑलवेज कि कम कीमत में मिल जाए, और सेलर क्या चाहेगा कि ज़्यादा कीमत में बिक जाए, लेकिन चलेगी दोनों की नहीं, जहाँ पर दोनों इंटरसेक्ट हो जाएंगे वहीं पर प्राइस तय हो जाएगी। राइट करोगे?